हजिया उमरा करने वहां से वापस आए, पहले नमाज भी नहीं पढ़ते थे, उन्होंने माशा नमाजें पढ़ी और मुझे कहते जी मैं रफाई दैन के साथ नमाज पढ़ता हूँ। दूसरे बंदे जो पहले उन्हें कुछ नहीं कहते थे कहने लग पड़े यार रफाई दैन तो बुत लोग रखते थे पहले पगलों में, तब होती थी, अब तो मनसूख हो चुकी है। मैंने पूछा जी ये बुत रखते थे जब उठाते थे सजदे में जाने मगर तो खुद वक्त बुत गिर जाते हैं, रफाई दैन करने की क्या जरूरत है? और दूसरा बुत किसी के दूसरे के पाँव पे लगता था चोट नहीं लगती थी यहाँ, ये गिर के टूट नहीं जाता था, तो फिर सजदे से उठते फिर बुत रखते थे फिर रफाई दैन किया, मतलब ये क्या खेल है इन लोगों। रफाई दैन के हवाले से एक कहावत बनाई हुई है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए रफाई दैन किया था या इसका हुक्म दिया था कि लोग अपनी बगलों के अंदर बुत रखते थे ताकि वो बुत रखने से बाज आ जाएं, तो इस हवाले से आप क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला इन लोगों को जिस लायक है वो सजा दे कि इतना बड़ा झूठ बोला जिससे बड़ा झूठ इस कायनात में कोई नहीं है। और ये शर्म भी ना की कि अगर रफाई दैन नुस्खा है सिर्फ बुत गिराने का, पहले तो बेईमान लोग अगर ऐसे थे नऊज़ बिल्लाह कहाँ थे मदीना, मुनाफिकीन जो थे वो तो दूसरों से ज़्यादा ज़ाहिर में मुसलमान बन के रहते थे कि हमारा पोल ना खुल जाए, वो बुत लेकर आ गए नंगे हो जाए, कैसे झूठे हैं ये लोग। और फिर ये नहीं सोचते कि अगर इसीलिए था तो पहला रफाई दैन जब कराया तो बुत गिर गया, अल्लाह अल्लाह खैर सला, फिर रुकू में जाने के वक्त उन्होंने फिर उठा लिए थे रहने देते पहले से। और अब भी ये पहली मरतबा सारे करते हैं, पूछे कि ये पहली मरतबा जो सारा बकरा बिक गया पूछ रहती है ये क्यों रफाई दैन, अब आपकी बगलों में बुत है? और जालिमों को शर्म करो, अगर ये इसी वजह से जिस तरह बाकी ख़त्म हो गए आपके ख्याल में, पहला भी छोड़ो, दुनिया में ऐसी उम्मत मौजूद है कहते नहीं इस पर इजमा है, और क्या इजमा है, चलो मस्कुत जमान में सारे काजी और सुल्तान और उलमा जो हैं एक मरतबा भी नहीं करते, वजू करके आते हैं सीधे खड़े हुए अल्लाह अकबर, कोई हाथ नहीं उठाएगा, उनके उनके साथ शामिल हो जा बाजियों के, और करना है तो सारे करो, एक हर्फ नहीं दुनिया में कि रफाई दैन आपने मनसूख कर दिया। भाई ये टर्क भी जो है ना अगर कोई छोड़ दे नमाज हो जाती, ये भी सुराख में से हाथी गुजारने वाली बात है, बहुत मुश्किल सबूत है इसका, कोई उस रवायत को सही कहता ज़्यादा उसको भी गलत कहते हैं इब्ने मसूद की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसलिए ये गुजारा करें ना करने वाले कि इनके लिए थोड़ा बहुत पाव रखने का है ठिकाना, उल्टा हमला करते हैं हिमालिया पर टक्कर लेते हैं, 22 सहाबा किराम से सही हदीसें आ रही कि रसूलल्लाह रफाई दैन करते थे, सिर्फ एक रवायत और भी कोई कहता हसन है कोई कहता जई, उसके सारे इतनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं, तौबा करें, करना बेहतर है सवाब है नेकी है, चलो कोई छोड़ रहा तो सुन्नत ही है फर्ज नहीं है इसलिए नमाज हो जाती है, मगर ये मनसूख वाला कहना जो बिल्कुल ये बुतों वाली बात है। आपकी बात दे दे मैंने जैसे कहा कि पहली मरतबा उठाए थे गिर गए और आप मुझे बुत ला कर दे दो बड़े से बड़ा, मैं उठाया जाऊँगा 100 मरतबा अगर गिर गया तो दिखाना ये मैं उठा रहा हूँ किताब गिरती है मगरे यूं करनी क्या बेहूदा बात करते। और फिर जैसे आपने कहा कि रुकू में जाना था सजदे में हुजूर सब्र कर लेते खुद ही बगले खुल जाते और गिर जाते, इस हरकत का क्या फायदा, बेशर्म और बेहया अल्लाह ताला इनको अज़ाब अज़ीम दे, इतना बड़ा झूठ सुनते रसूल करीम अलैहि सलाम के बारे में बोलते हैं जो रफाई दैन करता है शाह साहब फरमाते हैं वलीउल्लाह के गुनाह करने वाले से मुझे ज्यादा प्यारा है, लेना हादी से रफ अक्सर वासबत, क्योंकि रफाई दैन की हदीसें गिनती में भी ज्यादा हैं और ताकत में भी कमी है, सही हदीसें सिर्फ जो नहीं करता चलो हम फर्ज वाले नहीं समझे गुंजाइश है, ये जुलम ना करे कोई मंसूर का, ये बड़े बड़े देवबंदी आलम मौलाना सब दुआई देगा कि तौबा तौबा एक हरफ भी नहीं है मंसूख होना। आप क्या फरमा रहे हैं? वो कह रहे थे कि जो कुरान पाक हमें पढ़ाते हैं तफसीर के साथ उन्होंने इससे सूरह मुनाफिक होना उससे साबित किया था कि ये भी पहले होता था, इसलिए हमारे इदारे में उनको ले फोन करवा दें तो बात पूछ लें, सूरह मुनाफिक उनमें से जो कुछ है उनसे कहना पढ़े जैसे आज मैं रफाई दैन का मसला वहाँ तो कोई जिक्र ही मौलाना साहब फिर बड़ा क्या करते हैं फिर जिद बड़ी हो जाती है नबी का फरमान पीछे चला जाता है, तौबा तौबा में ये होता है की मान जाते हैं दिल कबूल करते हैं करके दिखाया ना कि बगल में रखो ये चीज सजदे में रुकू में जाओगे तो खुद गिर जानी है खुद ही गिर जानी एकदम स्ट्रॉन्ग गया उसके जहन में लगता है पहली दफा ये बात है। फिर आपने ज्यादा कीमती बात कही थी कि जब रुकू या सजदे में जाएगा तो जो बगल में है वो गिर जाएगा रफाई दैन से नहीं गिरेगा, नहीं रफाई दैन से नहीं नहीं बगल में ले लूंगा करता जाऊँ एक और सवाल आ गया जहन में।